वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुल्ताना रसोई में स्वागत है आप सबका। तो चलते हैं एक छोटी सी और ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी, जिसका नाम है सोजने की फली का कौरमा। बिल्कुल सिंपल और सरल, बहुत ज़बरदस्त। और आपको सोजने की फली में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों। ये चार फली ली हूँ मैं, इसे साफ धो के करके छील के रख ली हूँ। यह है एक दो बड़े साइज के आलू, जिसे मैं बड़ा बड़ा काट के रख ली हूँ। और ये दो है प्याज, इसे भी मैं छील के साफ धोकर रख ली हूँ। और यह है पांच टमाटर, इसे भी मैं साफ धो के करके रख ली हूँ। यह है दो हरे मिर्च, ये है ना, इन दोनों का या तो आप बारीक चॉप कर लीजिए चॉपर में डाल के, अगर नहीं तो आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं दोनों को। इसको टमाटर को भी ग्राइंडर कर सकते हैं, आप चॉप भी कर सकते हैं बारीक चॉपर में डाल के। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी रेसिपी स्टार्ट करते वक्त। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उसमें तीन से चार चम्मच तेल डाल दिया है। पहले मैं आलूओं को फ्राई करूंगी दोस्तों। जैसे ही हाफ ब्राउन हो जाएंगे आलू, अच्छे से हाफ डन भी हो जाएंगे तलने से, फ्राई करने से टेस्ट भी अच्छा आता है दोस्तों। अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं। देखिए कैसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं आलू। इसी तरह आप लोग भी कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी मैं आपको देते जा रही हूँ, हर वक्त आपको आसान रेसिपी देती हूँ। देखिए आलू हो चुके हैं, अब मैं निकाल रही हूँ। इसे निकाल कर मैं रख लूँगी साइड में। पूरे अच्छे से हो चुके हैं हाफ डन। अब इसके बाद में जो इन्ग्रीडियंट्स डालना है वो आपको बताऊँगी। देखिए आलू तो हो चुके हैं, दालचीनी के दो टुकड़े डाली हूँ, ये देखिए दो इलायची हरी, एक बड़ी इलायची डाली हूँ और एक तेज़पत्ता डाली हूँ। और ये है चार लौंग और पांच से छह काली मिर्ची के दाने डाले हैं। थोड़ा सा शाजीरा, एक दो चुटकी शाजीरा डाली हूँ। ये देखिए टमाटर मैं चॉप की हूँ, प्याज भी चॉप कर रही हूँ मैं। प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसका थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए। इसी तरह आप लोग भी अच्छे से फ्राई कीजिए, मैं जिस तरह बता रही हूँ उसी तरह बनाइए आप। बहुत टेस्टी बनता है सालन, रोटी चावल फुलका चपाती किसी से भी आप खा सकते हैं। देखिए अदरक लहसुन का एक चम्मच डाल रही हूँ मैं, एक चम्मच पर थोड़ा सा डाली हूँ, बस एक चम्मच भी काफ़ी है। मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है तो मैं डाल रही हूँ, आप लोग भी डाल सकते हैं ऐसा किसी में अपनी पसंद की बात हो। अच्छा सा फ्राई कर ली हूँ। अब ये हल्दी डाली हूँ एक हाफ चम्मच, एक हाफ चम्मच लाल मिर्च डाली हूँ मैं। देखिए दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों नमक डाल दी, जैसे थोड़ा होने के बाद देखिए टमाटर डाल दूँगी, ये जो ग्रेट करके रखी थी मैं, अच्छे से चॉप करके रखी थी मैं। इसे इतना अच्छा भूनिए ताकि अच्छा सा ग्रेवी बन जाए, इसे तेल छूट जाए। जितना भी टमाटर का पानी होता है तो पूरा अच्छे से सूख जाए और टमाटर गल जाए, तब तक आप अच्छे से भूनिए। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से इतना इतना भूनी हूँ मैं कि तेल छूट चुका है। टमाटर और प्याज अच्छे से मिर्चा हो चुकी है, अच्छे से भून चुका है। जो कितनी प्यारी खुशबू आ रही दोस्तों, क्या बताएँ। ये आलू मैं डाल दी हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों, ताकि आलू भी थोड़ा सा जल जाए। हाफ डन हो चुके थे, अब मैं इसे पूरा अच्छे से पका लूँगी ताकि ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जितना में आलू गल जाए उतना पानी डालिए। मैं एक हाफ प्याज डाली हूँ जिससे आलू गल जाएंगे। डालने के बाद मिक्स करके आप थोड़ा सा ढक कर एक 5 मिनट्स रखिए, फिर चेक कीजिए। मीडियम आंच पे रख के आप गला लीजिए आलू को। देखिए बीच बीच में हिलाते रहिए, मैं भी हिला के देखते रही हूँ, आप भी देखिए चेक कीजिए कि आलू गल चुका। जब आलू गल जाए तो मैं जो सोजने की फली आपको बताई थी वो मैं बॉयल करके रखी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करके रख ली हूँ। वो मैं ये आलू गलने के बाद डालूँगी, लास्ट में उसको डाल दूँगी। देखिए आलू गल चुका है, मैं आपको बताएँ देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी। देखिए कसूरी मेथी डालिए आप थोड़ी सी, एक टीस्पून, बहुत अच्छा आरोमा रहता है इसका और इतनी अच्छी प्यारी खुशबू, इतना टेस्ट बढ़ जाता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ज़रूर यहाँ से डालना दोस्तों, कसूरी मेथी का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी होती है। देखिए गरम मसाला है इसमें, ज़ीरा धनिया हाफ हाफ टी स्पून सब मिक्स है ये, और गरम मसाला है, दोनों चीज़ें मिला के डाली मैं फिर एक साथ पीसी थी, जिसमें इलायची लौंग चकला शाजरा जो अपना घर का होता है वही गरम मसाला है, बस सिंपल सा गरम मसाला जो डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए मैं जो बॉइल करके रखी थी वो मैं डाल रही हूँ,
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें दोस्तों, ताकि तमाम खुशबू, जितनी भी खुशबू हैं जो दालियों में, उसका आरोमा पूरा घी में, आलू में, सब अच्छे से आ जाए, एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और जो मसाले के लिए पानी चाहिए, वो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि उसे ग्रेवी भी आ जाए और जो खुशबू आना है फली में और आलू में सब में अच्छे से आ जाए। थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद अपन ढक लेंगे, ताकि इसे अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और ग्रेवी भी बन जाए। और इसमें थोड़ा सा साइडों से पानी छोड़ लें, ताकि इसमें तेल आ जाए साइडों से। देखिए, एक मैं कोथमीर भी डाल दी हूँ, अब इसे 2 से 3 मिनट दम पे रखूँगी मैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी से खुशबू आ जाए और ग्रेवी अपनी तैयार हो जाए। इस पॉइंट पर आप ग्रेवी भी चख सकते हैं, आपको जितना नमक चाहिए आप डाल सकते हैं। देखिए, ढक्कन लगा दीजिए, हाफ ढक्कन लगाइए, ताकि अच्छे से साइडों से तेल आ जाए, अच्छे से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, मैं चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत और इतनी खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ। कसूरी मेथी और गरम मसाले की बेइंतहा टेस्टी, एक नंबर बना है सालन। आप खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और जो भी आपका हाथ का सालन बना के खिलाएंगे आप जिस किसी को भी, वो बहुत खुश हो जाएंगे, पूरी फैमिली मेम्बर आपके खुश हो जाएंगे। ज़रूर इस तरह का आसान सालन बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। मेरी हर नई रेसिपी आपको मिलेंगी, ज़रूर ज़रूर आप लोग मुझे दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआ में रखी हूँ। देखिए दोस्तों, मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेंगे ना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखना दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय दोस्तों, चल।